अखिल ताई अहोम छात्र संघ ने आज दिल्ली में जंतर मंतर में जनजातीकरण की मांग में फिर प्रदर्शन किया। छात्र संघ के सदस्य ने अर्धनग्न होकर 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र संघ के सदस्य ने कहा कि असम की 6 जनजातियों को जनजातीकरण का दर्जा नहीं दिया जाता है तो भविष्य में आंदोलन और भी तेज किए जाएंगे। छात्र संघ के सदस्य ने केंद्र और असम सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पे आई हूँ, स्टूडेंट्स यूनियन आपासू ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। उन लोगों का जो डिमांड था एसटी डिमांड था, वो उस एसटी डिमांड के लिए होम कम्युनिटी के एसटी डिमांड को लेकर इस तरह से जंतर मंतर पे प्रतिवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों का डिमांड है वो काफी दिनों से चलता आ रहा है, आज आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, ये दिल्ली में टाई होम इंस्टीट्यूशन का पहला प्रतिवाद नहीं है, पहले बहुत बार प्रतिवाद कर चुके हैं। आसाम को रोकने वाले प्रतिवाद हम लोगों ने कर चुका है, लेकिन ये असम सरकार और केंद्र सरकार हम लोगों को अभी वैल्यू नहीं दे रहा है। हम लोगों का डिमांड को लेकर सिर्फ लोग डिस्कशन कर रहा है, दिल्ली में बुलाते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके पास हम लोगों को आह्वान भर के बात बोल के झूठ बात बोल के भेज देते हैं। अभी हम लोग ये कहना चाहते हैं, आज जो प्रतिवाद है, आज तक हम लोग का जो पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग का हो गया, अभी और टाई होम लोगों का पीसफुल प्रतिवाद नहीं होगा। अगर लोकसभा निर्वाचन से पहले हम लोग को जनजाति नहीं मिलेगा तो ये प्रतिवाद पीसफुल लेकिन नहीं होगा, ये जंगी हो जाएगा। और ये प्रतिवाद के आसाम में कोई भी ऐसी परिवेश आ सकता है उसके लेकिन जिम्मेदार केंद्र सरकार होगा। समय टाई होम को लेके अगर जो 6 कम्युनिटी है उन लोगों के साथ मजाक हो रहा है, बार बार मजाक हो रहा है, दिल्ली हो या दिसपुर, वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों का जो कैटेगरी चाहिए एसटी के लिए वो नहीं है। लेकिन आंदोलन के समय में एसटी का बिल लोकसभा में आया था, तो आने के बाद भी उन लोगों का जो हम लोगों को एसटी करने का इरादा नहीं है, इसलिए मतलब जो बॉल है वो दिल्ली सरकार असम में भेजता है, असम दिल्ली को, तो बीच में हम लोगों को पीस रहा है। इस बार हम लोगों का हम पिसेंगे नहीं। हम लोग ये बोलता है कि अभी हाफ नेकेड प्रोटेस्ट हुआ है, जरूरत पड़ने पर संसद भवन के सामने आज 330,000 आदमी संसद भवन के सामने फुल नेकेड प्रतिवाद करने के लिए हम लोग